बुरे हाल है मेरे आज, बिल्कुल ये देख सकते हो। ये भाई बुढ़िया नहीं, केवल बुढ़िया जो इतना है। आज कुछ था नहीं टॉपिक मेरे पास, इसलिए मैंने कहा अच्छा छोड़ देते हैं, आज थोड़ा रेस्ट करते हैं। और क्योंकि कल मैंने मैच खेला था, बॉडी पेन करी बहुत ज़्यादा, और अभी ये 30 किलो कंधे में रखा हुआ, तो मेरे बुरे हाल आप अच्छी तरह देख रहे हैं। और चलो ना राशन, ना राशन नहीं तो क्या करें, रोजी रोटी भी चलानी है, खाना भी है और ब्लॉग भी कंटिन्यू करना है। बुरे हाल है मेरे आज, बिल्कुल ये देख सकते हो। ये भाई तो आज मेरी बॉडी कर रही बहुत ज़्यादा पेन, और मैं सोच रहा था एक बार कि आज नहीं यार नहीं बनाता हूँ ब्लॉग, आराम करता हूँ, तो मैंने कहा फिर भी बना ही लेते हैं। तो अभी शाम के बज रहे 3:30 और मैं थोड़ा गांव की साइड जा रहा हूँ, और हो सकता है शायद मैं घूमने जाऊँ उधर थोड़ा रोड की साइड, तो उस साइड जा रहा हूँ मैं। और बाकी देख सकते हैं आज धूप लगी हुई मस्त वाली, दिन में बादल लगे हुए थे और अभी साफ और रखा मौसम, बिल्कुल आसमान बिल्कुल साफ है अभी, और जबकि सुबह पूरे बादल लगे हुए थे, व्हाइट वाले बादल लगे हुए थे। तो अभी साफ है तो अच्छी बात है कि बारिश नहीं है, ठंड ज़्यादा नहीं होगी। रात को तो वैसे होगी क्योंकि पाला गिरता, साफ मौसम में ठंड ज़्यादा होती सुबह के टाइम, बट यह है कि दिन भर ठंड तो नहीं रहेगी। और यह रास्ता, यह है पंचायती भवन हमारे गाँव का, यहाँ पर सब देख रहे हैं जहाँ पे चाचा जी बैठे हैं उसके नीचे वाला, और बाकी ये है गाँव का व्यू यहाँ से। इनको बोलते हैं हम टान, टान लगा रखा है बल, तो ये चारा स्टॉक रहता है, पेड़ों में भी लगाया रहता है। ये देखते हैं आप किस तरह पेड़ों में ये पूरा चारा लगा रखा है, यहाँ पे भी ये देख सकते हैं पूरा पेड़ों के बीच लगा रखा है ये, तो ये धान का चारा है। आराध्या ना निहाल से आ रही है और हमें प्रणाम भी नहीं कर रही है। वाह आराध्या वाह, आपके नहीं प्रणाम भाई। इधर साइड की तरफ जहाँ पर हमारी गाड़ियाँ लगती गाँव की, वहाँ आया था और वहाँ पर हमारे दादा लोगों की कुछ ये बकरियाँ हैं, और हमारी बुआ जी भी आ रही हैं अभी। पूका भी होना रोड के लिए, ये भगवान तुम तो पैसा अपना भाई। तो बुआ जी आ रही पीछे, ये है हमारी बुआ जी। और क्या मशीन तुम इंटर सेवा अत्या में क्या चे? अच्छा अच्छा अच्छा, तो सेवा इंटरनेशनल में हमारी बुआ जी, और उसमें शायद दवाइयों नहीं, दवाइयों का कारोबार है उनका, और सेल्समैन मतलब आप ये कह सकते हैं सेल्समैन में है वो। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो आप लोगों को और बाकी इनसे संपर्क करना हो आप लोगों को तो मुझे बता देना, मैं करवा दूंगा। जो भी प्रॉब्लम हो आप लोगों को बता देना, ये सारा निवारण करेंगे। है पक्का ना? पक्का। हाँ, तो जो भी दवाइयाँ चाहिए होंगी आप लोगों को मुझे बता देना, जिस भी चीज़ की, और मुझे मैसेज कर लेना, मैं वहाँ से आपका नंबर पिकअप कर लूँगा और उसके बाद आपको मैसेज कर लूँगा। ठंड तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर पहाड़ों में, क्या होता ना कि अगर बारिश आ गई और बारिश के बाद 2-4 दिन ये धूप लगी ना, तो समझ लो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने वाली है, क्योंकि जब तक धूप रहती तब तक सही रहता है, जब सनराइज़ हो जाता है तो उसके बाद ऊपर से ओस जिसको बोलते हैं पाला, हमारी गढ़ वाली भाषा में बोलते हैं पाला, तो वो पाला गिरने लगता है, तो वो अभी गिर रहा है, हम लोगों को पता नहीं चल रहा है, ओस के टाइप में हवा के टाइप में आ रहा है वो हल्का सा, और वो इतनी ठंड करता है, दर्द करने लग जाते हैं हाथ पाँव, क्योंकि हाथ पाँव पे सबसे ज़्यादा ठंड लगती है, अगर जूते नहीं पहने तो पाँव पे तो लगी लगेगी, हाथ पे दस्ताने नहीं पहने तो तब भी बुरे हाल होने वाले हैं। और तीसरी बात, अगर टोपी नहीं रखी आप लोगों ने तो फिर कान भी बड़े बजने वाले हैं। तो यहाँ ऊपर आ गया मैं, और ये नीचे सड़क देख सकते हैं, और यहाँ पर गाड़ियाँ लगती हैं हमारे गाँव के। पहले क्या होता था, पहले हनोली रुकती थी गाड़ियाँ तो वहीं पर लगती थी, अब स्टेशन यहाँ बन गया जब थोड़ा ऊपर आ गई रोड, और अब गाड़ियाँ यहाँ पर लगती हैं, तो वहीं जा रहे थे थोड़ा, हमने कहा घूमने चलते हैं। रास्ता कुछ इस तरह है जो मेन रास्ता गांव का, तो 200-250 मीटर पे है वो, तो वहाँ तक ये रास्ता जाता, अब यहाँ रोड आ गई तो ये रास्ता भी पक्का होगा, इस पर भी ग्रोटिंग किया जाएगा सीमेंट कंक्रीट से, तो ये वो रास्ता है वैसे, लेकिन आज की डेट में ये रास्ता हमारा मेन रास्ता बन गया क्योंकि सड़क यहीं पे आ चुकी है इसी रास्ते पे। कि कंजूता तो जैसे ही मैं थोड़ा आगे आता हूँ गौशालाओं से, तो यहाँ से मेरे गांव का व्यू दिखना स्टार्ट हो जाता है हल्का हल्का, ये हल्का हल्का देख सकते हैं सामने, और
यहाँ से मेरा गांव का बिल्कुल व्यू दिखना स्टार्ट हो जाता है, ऊपर के साइड नहीं दिखते लेकिन नीचे का साइड यहाँ से पूरा दिखता है लगभग। तो यहाँ से पंचायती चौक वगैरह और उससे ऊपर के मकान सारे दिखते हैं, ये सारे दिखते हैं, यहाँ पे आधा गांव दिखता है लगभग। एक बुढ़िया भी है यहाँ पे। बुढ़िया नहीं है, मेरी ताई जी है वो। तो यहाँ पर हमारे ताई जी हैं, बोले कि यहाँ पे देखिए एक बुढ़िया भी है। बुढ़िया नहीं, केवल बूढ़े जो ये ताई जी ऊपर दिख तो नहीं रहा होगा लेकिन ताई जी भी हंस रहे हैं यहाँ पेड़ों के बीच से, यहाँ पे देख सकते हैं आप ये। तो ताई जी भी बहुत मतलब मुलमुल हंस रहे हैं वो। तो ये अभी वो लगे हुए हैं अपने काम काज पे। तो जैसे सामने पर आता हूँ यहाँ पे, ये सामने ये आपको दिख रहा होगा पंचायती भवन है, और यहाँ से ऊपर का रास्ता मेरे घर के लिए ये साइड साइड में दिख रहे हैं ना, ये हैं हमारी बुआ जी जिनका मैंने अभी बोला था कि आपको दवाई चाहिए हो तो फिर संपर्क करें। और मेरे घर यहाँ से कुछ नहीं दिख, थोड़ा हल्का सा दिखता है यहाँ ऊपर पे, थोड़ा हल्का से मेरे घर के बिम दिख रहे हैं खाली बस। गांव की लोकेशन ये है कुछ इस तरह है। जो एक छोटा बच्चा मेरे से बहुत ज़्यादा शर्माता है उसका अभी मैं थोड़ा चेहरा दिखा दूँ। ये है मेरा नयन बुला, और ये काफ़ी गुस्सा रहता है मेरे से क्योंकि मैं इससे ज़्यादा मजाक करता हूँ, ये मजाक नहीं झेल पाता है नयन बुला। तो ये है हमारा नयन बुला। नयन बुला कौन से बोले बुला क्रिकेट खिलो तो खिली ब्याई पीड़ हुई सर गात मुँह नहीं लगाई सर रात सवेर में आई बुए याद इतिहा पीड़ हुई। तो यार इसलिए मैंने सोचा थोड़ा आज रेस्ट ही कर लूँ, कल मैच में नहीं जा पाऊँगा क्योंकि कल लकड़ी फाड़नी है, क्योंकि यहीं पड़ोस में चाचा के लड़के का मुंडन है तो उसके लिए लकड़ी फाड़नी है, तो कल वहाँ जाऊँगा तो पॉसिबल नहीं है कि कल मैच दिखा पाऊँ आप लोगों को। परसों हो सकता है, परसों दिखा सकता हूँ मैं, और निरसों 16 तारीख को शायद देहरादून, कंफर्म तो नहीं है भी लेकिन जा सकता हूँ 16 को देहरादून, क्योंकि अब सीज़न भी आ गया शादियों का, तो एक दो बुकिंगें हैं वहाँ वो भी करनी है, उसके बाद फिर देखते हैं लॉकडाउन लगेगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा वहाँ भी। आई होप कि बुकिंग के बाद तुरंत मैं घर आ जाऊँ तब लगे लॉकडाउन, परिस्थितियाँ ऐसी बनी हुई क्या करें। और आप लोगों से भी निवेदन करता हूँ कि यार थोड़ा सावधानी बरतिए और इस महामारी में कम से कम भीड़ में जाएं क्योंकि बीमारी हम पे हावी ना हो। और बाकी अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और हाँ बेल आइकन ज़रूर दबाएं क्योंकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचेगा। और यहीं पर आज का ब्लॉग मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।